19 मार्च को बदायूं में एक घटना होती है जिससे पूरा देश सहम सा जाता है। हम बदायूं के उसी घर पर मौजूद हैं। मेरे सामने जो घर है वो संगीता और विनोद का घर है और यहीं पर दो बच्चों की निर्मम हत्या हुई थी। वो कांड आपको याद होगा, उसको जब भी आप सुनते होंगे तो आप सहम जाते होंगे। आज उस घटना को ठीक एक महीने बीत चुके हैं। एक महीने में क्या क्या हुआ है पूरी घटना हम विस्तार से बताएंगे। चलिए इस घर से शुरू करते हैं। इस घर में जब हम गए तो हमने देखा कि आज भी परिवार का माहौल जो है वो बेहद भावुक है। परिवार के लोग मीडिया छोड़िए किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार भी अगर हो जाएं तो बात करते करते रोने लगते हैं। ये जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में छोटे छोटे दो बच्चों की हत्या कर दी जाए तो उस घर की स्थिति क्या होगी। इस घर को देखिए, ये वही घर है और इस जगह पर जब आप इन सीढ़ियों को देखेंगे तो ये खून के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये खून के निशान हैं और ये वही सीढ़ी है जिसमें साजिद नीचे जब उतरा था तो उसका हाथ लहूलुहान था और वो दो बच्चे आयुष और आयान की हत्या करके आया था। ये हत्या क्यों हुई थी, इसकी गुत्थी अभी एक महीने में सुलझ नहीं सकी है, लेकिन क्या बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर साजिद और जावेद का सैलून था। ये वो जगह है जहाँ पर साजिद और जावेद काम किया करते थे। अब यहाँ पर इस घर की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। 8 पुलिस के जवान बंदूकधारी यहाँ पर तैनात रहते हैं। साजिद और जावेद का ये सैलून हुआ करता था और वो आप जो देखेंगे संगीता ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है, वो संगीता ब्यूटी पार्लर है और वहाँ पर संगीता जी अपना ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। इस ब्यूटी पार्लर में मोहल्ले के लोग, मोहल्ले की महिलाएँ आती थी, मिलती थी। यहाँ का माहौल बड़ा शांत था। साजिद और जावेद का भी इस घर में आना जाना था, उनके बच्चे इसको अंकल अंकल कहा करते थे। घर में खाने पीने का माहौल था। एक दिन अचानक क्या होता है कि साजिद जो है इस घर में जाता है और संगीता जी ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती हैं और संगीता जी से ये कहता है कि मेरी बेटी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट है इसलिए मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। ये वही घर रहता है। इस घर को आप देखिए, इसी घर में यहाँ से सैलून से निकल के साजिद जाता है और कहता है संगीता जी मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है और 5,000 रुपये इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है। उस समय संगीता अपने पति विनोद को फ़ोन करती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या इन्हें 5,000 रुपये दे दिया जाए। तब विनोद का जवाब जो आता है कि पड़ोसी हैं, अगर हम आपस में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। साजिद को 5,000 रुपये देने के लिए वो अंदर जाती है। उतने देर में साजिद दो बच्चे जो संगीता और संगीता जी और विनोद जी के बच्चे रहते हैं उन दोनों बच्चों को लेकर इसी सीढ़ियों से छत के ठीक ऊपर चला जाता है, छत का ठीक ऊपरी हिस्सा, और वहाँ पर उनकी हत्या कर देता है। अब इस हत्या के पीछे भी कई कारण सामने निकल के आ रहे हैं, उनमें से आधे अधूरे कारण ही अभी आए हैं क्योंकि पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि एग्जैक्ट कारण क्या है। घटना को एक महीने बीत चुके हैं। जो सुने सुनाए कारण और कुछ रिपोर्ट्स में लिखे कारण हैं वो ये है कि साजिद बचपन से ही गुस्से वाला व्यक्ति था और उसके बाद से गुस्सा वो इतना अधिक करता था जिससे कभी कभी वो अपने परिवार के लोगों को ही नुकसान पहुंचाता था। फिर उसकी शादी कर दी गई सना से। सना से शादी करने के बाद सना से उसके बच्चे नहीं हुए। सना 3 बार गर्भवती हुई लेकिन उसके गर्भ में ही उसके बच्चे नहीं ठहरते थे और उसके बाद से वो बच्चे नहीं हो पाते थे। सना भी परेशान थी, उसका पति साजिद भी परेशान था। साजिद हमेशा जो है पीर फकीर और तमाम बाबाओं के पास जाता रहता था। लोग ये कह रहे हैं कि कई पीर और फकीर बाबाओं के वजह से भी साजिद ने ये कर्म करने पर फैसला लिया था। पुलिस ने कई पीर फकीर बाबाओं को भी पकड़ा है, जो उसका दूसरा भाई जावेद गिरफ्तार किया गया है। जावेद की गिरफ्तारी भी बड़ी ड्रामेटिक थी। जब साजिद यहाँ अंदर जाता है तो मोटरसाइकिल से ठीक घर के बाहर जावेद खड़ा रहता है और जावेद को
उस जावेद के हिसाब से ये पता ही नहीं रहता है कि साजिद क्या करने जा रहा है। पुलिस ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया, जावेद ऐसा कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि वो अंदर क्या करने जा रहा है। और जावेद जब देखता है कि साजिद ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो जावेद वहाँ से भाग जाता है। फिर जावेद भाग के दिल्ली चला जाता है। दिल्ली से जब वो एनकाउंटर की खबर सुनता है कि शाम को ही साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और पुलिस ये कही थी कि साजिद जब हमारी गिरफ्त में आया तो उसके बाद से वो भागने लगा, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि कई लोगों ने एनकाउंटर भी सवाल उठाए थे, ये एक अलग विषय हो सकता था कि एनकाउंटर पे कितने सवाल उठे या नहीं उठे। लेकिन यहाँ पर जावेद को जब दिल्ली में ये न्यूज़ देखता है तो जावेद बदायूं चला आता है और बदायूं में चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मैं वही साजिद का भाई जावेद हूँ जो बदायूं कांड से रिलेटेड हूँ। और उसके बाद वहाँ वो सरेंडर कर लिया जाता है। यानी इस घटना में दो मुख्य अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक गिरफ्तार हो चुका है, एक का एनकाउंटर हो चुका है। मिला जुला के कहें तो सजा मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इस हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी है कि दो परिवार, एक साजिद और जावेद का जो यहाँ पे सैलून चलाता था और दूसरा संगीता और विनोद का परिवार जो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाता था, इस परिवार के घर में मैं जब गया तो बड़ा सौम्य सा परिवार, घर में जब मैं गया तो चाय पानी के लिए मुझे कहा गया कि चाय पानी पी के जाइए। हम लोग अब सोचिए जिस घर में दिक्कत है लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, घर में सुरक्षा का माहौल है, सारी चीज़ें हैं। और ये परिवार, ये सामने वाले परिवार के वहाँ जो आरोपी है वहाँ बाल कटवाने, एक दूसरे से बातचीत करने, मैं बता रहा हूँ 5,000 वाला मामला एक दूसरे के साथ आता था, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक साजिद का दिमाग क्यों ख़राब होता है, साजिद विनोद और संगीता की बच्चों की, छोटे छोटे दो बच्चों की हत्या क्यों करता है, इसकी गुत्थी अभी एक महीने के बाद भी नहीं सुलझी है। भैया वो दोनों बच्चे आपके वहाँ आते थे? हाँ आते थे। हाँ? हाँ। ये उनके बगल की जैसे दुकान है, कैसा वो बच्चों का नेचर था, क्या करते थे? बच्चे बहुत बढ़िया थे, बहुत प्रेम से बोलते थे। हाँ। बगैर भैया से बात नहीं करते थे हमसे, भैया जी जैसी दे दो टापी हो दो भैया जी। हाँ। आते थे, बहुत अच्छे प्यार बच्चे थे वो। तो ऐसा क्या हो गया, कुछ आपको लगता है कि साजिद और जावेद ने उनकी हत्या कर? अब जे पता नहीं है, जे तो पता नहीं, जानकारी है ना इसकी। तो बच्चे यहाँ पर आते थे, बच्चों का परिवार, पर परिवार में भी दोनों एक दूसरे से? हाँ परिवार भी बहुत बढ़िया है वैसे उनका। हाँ। और सामने से रिश्ते भी अच्छे थे? अब जे तो इसकी जानकारी है ना, हमने भी कभी देखा नहीं जाते भी हमने। अच्छा भाई साहब आप यहीं के हैं? जी भैया। बच्चों को देखा था आपने? जी जी। हाँ जी। तो बच्चों का कैसा व्यवहार था? बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत अच्छे बच्चे। तो आपको कुछ समझ में आता है कि क्या हो गया, कि क्यों ऐसा? समझ में नहीं आ रहा था, वो यहीं रह रहे थे, ऐसा तो लगते नहीं थे कि ऐसा करेंगे, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। हाँ। जो उन्होंने अचानक ऐसा काम किया। हाँ। अगर पता होता तो फिर, मालूम नहीं होते ऐसा करवाते ही क्यों। संबंध की तो पता नहीं, उनके संबंध कैसे थे, अच्छे नहीं थे या बुरे थे, ये नहीं कह सकते। आप बगल के ही रहने वाले हैं, आपको कुछ जानकारी है भैया इस बारे में? साहब हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे देखे थे, सही थे। और इनके सामने इनकी दुकान थी। अब संबंध कैसे थे साहब, इसके बारे में अंदाजा नहीं है साहब। कुछ आपको लगता है कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हुआ, कुछ क्या मोहल्ले में क्या कुछ कहानियाँ तो चलती ही होंगी साहब? इसके बारे में भी नहीं हम आइडिया दे सकते साहब आपको, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस का पहरा है, पुलिस के जवान हैं। विनोद और संगीता का परिवार कहीं भी जाता है, पुलिस की सुरक्षा उनके साथ जाती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, इस जांच की अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब भी इस जांच की रिपोर्ट आएगी हम उस रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर सामने आएंगे। हम बदायूं थे और बदायूं के उसी घर पर थे जिस घर में आज से ठीक एक महीने पहले दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके पीछे क्या कारण था, ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मैं बदायूं में था और बदायूं से आपको बदायूं की एक महीने पुराने वाली स्टोरी बता रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।